नमस्कार दोस्तों, बात करते हैं IDFC फर्स्ट बैंक लिमिटेड की। बेहतरीन कंपनी, आज भी वॉल्यूम बहुत अच्छा रहा, हाई वॉल्यूम का दिन रहा आज भी, बट हाँ गिरावट हुई है इस स्टॉक में और अच्छी खासी रैली हो चुकी थी मॉर्निंग में, उसके बाद से वहां से ही कंसोलिडेशन देखने को मिला। अगर आपने परसों की सैटरडे की मेरी वीडियो देखी हो, तब भी मैंने आपको बोला था कि स्टॉक ऑलरेडी आपका ओवरबॉट जोन में एंटर हो चुका है और यहाँ से थोड़ी बहुत कंसोलिडेशन देखने को मिलेगा। ये बेस्ट टाइम है एंट्री लेने का, बाय ऑन डिप्स के खरीदारी करने का। बट क्या स्ट्रेटजी लेकर के चलना है, और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ कि 140 का आपको टारगेट यहाँ पर मिलेगा, खबर बहुत अच्छी है ये देखिए। और ये मेरा टारगेट नहीं है, ये न्यूज आई थी, उनका टारगेट है 140 तक के। टारगेट आपको IDFC फर्स्ट बैंक में आते हुए दिखाई देंगे। लंबा सा टारगेट है ये, 3 महीने का टारगेट नहीं है, ये 1 साल तक के टारगेट्स आपको बताए जा रहे हैं कि 140 तक आते दिखाई देंगे। बात करेंगे किसका टारगेट है ये और किस वजह से ऐसा हो रहा है। एक बड़ी खबर और भी आई, बड़ी खुशखबरी निवेशकों के लिए है, उसकी भी चर्चा इस वीडियो में करेंगे। चलिए शुरू करते हैं, बट उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो, हिट द बेल आइकन ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। ओवरऑल अगर आप देखोगे तो स्टॉक बहुत ही अच्छी ट्रेजेक्ट्री में। मैं आपको सबसे पहले चार्ट दिखा देता हूं। यहां पर अगर आप चार्ट देखोगे, स्टॉक ने यहां से चलना स्टार्ट करा अराउंड 40 के आसपास के, और 28 टू बी प्रिसाइज 28 से चलना स्टार्ट करा, ये पॉइंट था। और यहां से लेकर के एक अच्छी रैली लगाई, एक सपोर्ट सिस्टम यहां पर बना कुछ दिनों के लिए, कुछ वीक्स के लिए, एक जोन में भी था और जोन ब्रेकआउट मिला। और अभी आप देखिए कि स्टॉक ने नए हाईज बनाए हैं, नया 52 वीक हाई ही नहीं, ये आपका 6 ईयर हाई ऑलमोस्ट है आपका। तो ओवरऑल अगर आप देखोगे तो चार्ट में अच्छे चेंजेस देखने को मिले, और मॉर्निंग में भी अगर आपने देखा हो तो 3.5% 4% के आसपास की रैली आई थी। स्टॉक आपका स्ट्रेट लाइन में ऐसे तेजी आया था, उसके बाद से कंसोलिडेशन, एक प्रॉफिट बुकिंग का माहौल देखने को मिला और स्टॉक आपका नीचे गिरता गया। हालांकि बहुत ज्यादा गिरावट नहीं हुई, तो घबराने वाली बात नहीं है। और यहाँ पर अभी भी आप देखोगे तो वीकली पैटर्न में आपको ओवरबॉट का ओवरबॉट जोन अभी भी दिख रहा है, ये डेली पैटर्न में और ज्यादा गहरा है। डेली पैटर्न में ये ग्रे जोन ज्यादा गहरा हो चुका है, RSI जो है आपका वो 80 टू 90 के आसपास आपका पहुंच चुका है RSI। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर ओवरबॉट जोन में जाएगा तो स्टॉक में गिरावट होगी ही होगी, और वही रीजन है। कोई बहुत खराब खबर नहीं है, कोई बैड न्यूज नहीं है, कोई नेगेटिव न्यूज नहीं है, तो बिल्कुल यहाँ पे अगर आपने निवेश किया हुआ है तो होल्ड करो। अब 140 का टारगेट कौन कह रहा है, उससे पहले एक और खबर इंपॉर्टेंट है जो लास्ट टाइम भी मैंने आपको बोला था। देखो लंबी नहीं रखेंगे इस वीडियो को, बहुत स्मॉल वीडियो करेंगे। MSCI की तरफ से एक खबर आई थी कि जो स्टॉक है आपका MK ग्लोबल्स ने बोला कि MK ग्लोबल इज बेटिंग कि यहां से स्टॉक जो है आपको वो MSCI इंडेक्स में शामिल हो सकता है, और अगर MSCI इंडेक्स में शामिल होता है तो 101 मिलियन डॉलर्स के आसपास का फंड इन्फ्लो इस स्टॉक में बढ़ जाएगा। मैं आपको थोड़ा जूम कर देता हूं तो आपको बेहतर दिखाई पड़ सके। आप देखिए कि ओवरऑल अगर आप देखेंगे, और नई खबर है, ऐसा नहीं कि कोई बहुत पुरानी खबर है, आप देखिए 14 जून की ही खबर थी और अभी जब पब्लिश हुई उसके बाद से स्टॉक में काफी तेजी देखने को भी मिली थी। MK बेट कर रहा है कमिंस और IDFC फर्स्ट बैंक पर, दो स्टॉक्स हैं इनके रडार पर, कमिंस और IDFC फर्स्ट बैंक, दोनों ही स्टॉक्स में ये MSCI इंडेक्स में शामिल हो सकते हैं। कमिंस में 108 मिलियन डॉलर्स के आसपास का फंड इन्फ्लो बढ़ेगा और IDFC फर्स्ट बैंक में 101 मिलियन डॉलर्स के आसपास का फंड इन्फ्लो बढ़ेगा। ओवरऑल अगर आप देखोगे तो अगर इनका फंड इन्फ्लो बढ़ता है, फंड इन्फ्लो कैसे बढ़ेगा भैया, डेली का ट्रेड वॉल्यूम बढ़ जाएगा। जो ट्रेड वॉल्यूम आज 50 मिलियन का आ रहा है, वो ट्रेड वॉल्यूम डबल हो सकता है, 80 टू 90 मिलियन, 100 मिलियन के आसपास जा सकता है ट्रेड वॉल्यूम। और अगर ट्रेड वॉल्यूम ज्यादा बनेगा तो लिक्विडिटी कंपनी के पास जाएगी, जिससे कि एसेट क्वालिटी वगैरह ये कंपनी इंप्रूव कर सकती है। ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो निवेशकों के लिए अच्छी खबरें हैं, कंपनी के लिए भी अच्छी खबरें हैं, और बिल्कुल यहाँ पे बेट करने का अच्छा समय है आपके लिए, क्योंकि यही टाइम है। MSCI जो इंडेक्स है आपका उसमें शामिल नहीं हुआ है, और जब जैसे ही शामिल होता है आपके स्टॉक में तेजी देखने को मिलेगी। अब मैं खबर पर लेकर के चलता हूँ आपको। देखिए ये खबर है आज की ही है, ये खबर आप जाकर के इकोनॉमिक टाइम्स पर पढ़ सकते हैं, और जो जो जितनी भी मैं आपको खबरें बताता हूँ वो ऑलमोस्ट आप जाकर के वेरीफाई कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि मैं अपनी तरफ से लेकर के आ रहा हूँ इन खबरों को, बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमें नहीं मिल रही है खबर या कहाँ से लेकर के आ रहे हो, तो बिल्कुल आप जाकर वेबसाइट से देख सकते हो। मैं हर न्यूज़ का, हर आपको स्निपेट्स का वहां पर या तो वेबसाइट दिखा दूँ, आप ETmarkets.com यहाँ पर भी देख सकते हो, या फिर आपको मैं बताता हूँ कि आप वहां पर जाकर के पढ़ सकते हो, तो आप बिल्कुल सेकंड वेरीफाई भी आप जाकर के कर सकते हो, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप देखिए कि एक अच्छी रैली आ चुकी है, 70 के ऊपर जब ब्रेकआउट मिला था उसके बाद 84 तक के लेवल से स्टॉक ने दिखाए हैं। अभी अगर 84 के इस वीक में, पूरे हफ्ते की यहां पर बात हो रही है कि पूरे हफ्ते में अगर ये 84 के ऊपर ये क्लोजिंग कहीं भी आ जाती है तो आने वाले दिनों में आपको 110 से लेकर के 140 तक के टारगेट्स आसानी से देखने को मिलेंगे। और ये टारगेट शॉर्ट टर्म के नहीं है, मैं दोबारा बता रहा हूं, इन द कमिंग ईयर और टू, ठीक है, आने वाले साल में, एक आध साल में ये 140 तक आपका आराम से जाता हुआ दिखाई देगा। जो स्टॉक इस समय 80 पर ट्रेड कर रहा है, वो स्टॉक अगर 140 पर जाता है तो ऑलमोस्ट आपको 100% का फायदा हो ही रहा है। मुझे नहीं दिखाई पड़ता कि छोटा कोई टारगेट नहीं है,
बहुत अच्छा टारगेट है, जिस तरह की ग्रोथ यहाँ पर है, अगर MSCI इंडेक्स में शामिल होता है तो ये टारगेट्स आपको बहुत जल्द अचीव होते हुए दिखाई देंगे। अगर शामिल नहीं भी होता है, हालांकि पूरी प्रोबेबिलिटी है वहां पे शामिल होने की, बट शामिल नहीं भी होता तो भी आप एक साल में 140 का टारगेट यहाँ पर लेकर के चल सकते हो। बिल्कुल स्टॉक अच्छी ट्रेजेक्टरी में है। इस वीक में थोड़ी वोलेटिलिटी रहेगी, मैंने सैटरडे की वीडियो में भी बोला था कि इस वीक में वोलेटिलिटी यहाँ पर बढ़ेगी, तो थोड़ा सा कॉशियस रहना है आपको। बेचने की गलती नहीं करनी है, बट हाँ ओवर वॉल्यूम बाय नहीं करना, थोड़ा सा बाय ऑन डिप्स के साथ खरीदारी करनी है। आप देखेंगे RSI आपको एक अच्छी ट्रेजेक्टरी में, MACD आपका स्ट्रांगली बोल रहे हैं, वॉल्यूम बहुत तगड़ा आ रहा है, 140 110 से लेकर के 140 तक के टारगेट, लंबे समय के टारगेट आपको लेकर के चलने हैं। स्टॉक अच्छा खासा ट्रेड कर रहा है तो बिल्कुल यहाँ खरीदारी आपको करनी चाहिए। बाकी लास्ट कॉल मस्ट बीयर्स, आपकी स्ट्रेटजी स्टॉक को लेकर के प्लीज कमेंट करके शेयर करना। वीडियो को यहीं खत्म करेंगे, पसंद आए तो लाइक करना, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड यस प्लीज कमेंट बिलो, अगर पूछना हो तो थैंक यू।